वेरी गुड इवनिंग वेलकम टू अड्डा फोर सेवन दिस सिंह आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आज के इस स्पेशल सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक क्लर्क कैसे बने बहुत सटीक बहुत सुलझा हुआ बात करने वाले सेशन में बैंक क्लर्क कैसे बने उनके जितने भी मापदंड हैं चाहे वो क्वालिफिकेशन की बातें हों वो एज लिमिट की बातें हों एग्जाम पैटर्न सैलरी कट ऑफ सिलेबस इन तमाम पहलू पर हम चर्चा करने वाले हैं और इस तरह का एक और सेशन हम डिस्कस करेंगे बैंक पीओ के बारे में तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं कुछ जो सवाल आपके जहन में चल रहे होते हैं टू द द पॉइंट हम उस पे ही बात करेंगे आर आई होप ये सारे मैंने कवर करने की कोशिश करी है इसमें बैंक क्लर्क के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करते हैं मतलब कितने आ, आपके पास ऑप्शंस कितने सारे आते हैं अपॉर्चुनिटीज कितने सारे आते हैं पहला सवाल ये है नेक्स्ट सवाल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए आ, या फिर इस एग्जाम का सिलेबस क्या है ये एग्जाम कितने स्टेज में होता है रीजनल लैंग्वेज आना जरूरी है क्या सैलरी कितनी मिलती है ये तमाम वो सवाल हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हम बैंक क्लर्क के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके हम बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो उसके सामने कितने सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे मैंने कोशिश किया है उन तमाम सवालों को इस सेशन में आ, रखने का और उस पर चर्चा करने का एक एक करके हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर हर एक सवाल के हम जवाब तक पहुंचने की को जरूरत कोशिश करने वाले हैं शुरू करते हैं पहले सवाल से सबसे पहला सवाल हमारे पास है बैंक क्लर्क के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट किए करते हैं तो सबसे पहला तो एग्जाम हमारे पास जो तीन वैरायटी है मोटी मोटे तौर पे देखा है दो वैरायटी हमारे पास है एक एसबीआई की तरफ से एग्जामिनेशन होता है क्लर्क का और एक आईबीपीएस की तरफ से होता है आईबीपीएस की तरफ से एग्जामिनेशन हमारे पास हुआ करता है ठीक है सो एस बी आई आईबीपीएस इसके बाद मैं एक और आपको रेफरेंस दूंगा लेकिन सबसे मोटा मोटी तौर पे अगर बात करें तो वी हैव टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट टू ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं एसबीआई अपने एसबीआई क्लर्क एग्जाम को कंडक्ट करता है एसबीआई क्लर्क और आईपीएस के अंदर दो एग्जामिनेशंस होते हैं एक होता है आरआरबी क्लर्क आरआरबी क्लर्क और दूसरा आईपीएस क्लर्क आईपीएस क्लर्क ये तीन बिल्कुल इस क्लर्क नाम से ही आपके पास ये तीन अपॉर्चुनिटीज नजर आते हैं आपको हर एक साल इसके साथ ही साथ एक क्लर्क लेवल पे ही कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं एक आरबीआई की तरफ से जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई असिस्टेंट आरबीआई असिस्टेंट समटाइम्स वी यूज टू फाइंड एल आई सी असिस्टेंट एल आई सी असिस्टेंट

अगले सवाल की बारी है अगला सवाल देखते हैं क्योंकि देखो इनके एग्जामिनेशन का पैटर्न या फिर इनके एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो भी इक्वल रहने वाला है चाहे वो एसबीआई हो आरआरबी का थोड़ा ज्यादा लाइटर होता है उन्नीस बीस का फर्क रहता रहेगा लेकिन हाँ क्लर्क का अप्रोच स्टेजेस बाकी सारे कंडीशन लगभग एक ही रहेंगे तो इन सारे एग्जाम को आप अगर क्लर्क लेवल पर आप देखना चाहते हो तो अपने आपको तो फिर ऑफकोर्स ये सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज निकल के आने वाले हैं आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टू द पॉइंट बात कर रहे हैं है में ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो कि वो भी आपकी कोई भी स्ट्रीम हो सकता है जैसे कि वो आपका साइंस हो वो आपका आर्ट्स हो कॉमर्स हो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या मेडिकल बैकग्राउंड किसी भी बैकग्राउंड से आप हैं आप पास ग्रेजुएट होने चाहिए कोई परसेंटेज का बार नहीं रखा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय से आप किसी भी स्ट्रीम से स्नातक होने चाहिए दिस इज द कंडीशन वेरी क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारे पास आता है फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंट चाहिए यह एक बड़ा सवाल स्टूडेंट के मन में चल रहा होता है

आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल आपके पास है एज uh, लिमिट कितनी होनी चाहिए मतलब एज लिमिट क्या होती है तो भाई एज लिमिट बहुत क्लियर है 20 से 28 वर्ष के बीच में आप होने चाहिए अगर आप अनरिजर्वड कैटेगरी से हलदालुक रखते हैं तो दैट मींस अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 20 से 28 के मध्य होने चाहिए और बाकी जो हमारे पास कैटेगरी है फॉर रेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिलैक्सेशन इज देयर एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मतलब कि बाकी जो सरकारी आदेश होते हैं सरकारी नॉर्म्स हैं उसके आधार पे जो कैटेगरी है जैसे कि एस सी के लिए पांच साल ओबीसी के लिए आपका थ्री इयर्स ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए थ्री ईयर्स पीडब्ल्यू के लिए टेन ईयर्स इस तरीके से हमारे पास एज uh, लिमिट दिया गया है मतलब लोअर लिमिट तो सबका कॉमन रहेगा अपर लिमिट जो है जैसे कि ओबीसी के लिए थर्टी वन हो जाएगा या फिर हम अगर एस सी की बात करें थर्टी थ्री हो जाएगा तो इस बात का आप अपर लिमिट में जाके आप देख सकते हैं लिमिट मतलब 28 के जगह पे 31 ओबीसी के लिए और 33 आपका एससी एसटी के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए 38 इयर्स इस तरीके से ठीक है सो आपका एज लिमिट का भी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम का सिलेबस क्या होता है एग्जामिनेशन में हमारे पास चार सब्जेक्ट हैं जिसको हम दो फेज में देखा करते हैं चार सब्जेक्ट में से हम इस एग्जाम के सिलेबस को हम इस तरीके से यहां पर डिफ्रेंशिएट करते हैं दो फेज हैं और दोनों फेज में अलग अलग तरीके से आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट होते हैं जैसे प्रिलिम्स हमारे पास एक एग्जामिनेशन है और एक हमारे पास मेन्स है तो इस सवाल का जवाब आप ऐसे भी कह सकते हो मैं इस सवाल पे आने से पहले मैं चाहता हूं एक और सवाल का जवाब दिया जाए जैसे कि ये सवाल ये एग्जामिनेशन कितने स्टेज में होता है सो ओनली टू स्टेज फॉलोड एंड मतलब लैंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब मतलब एक्चुअल आपके जो स्टेज है वो सिर्फ दो ही है सिर्फ दो स्टेज होते हैं यहां पर इससे आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रिलिम्स और मीनस के बाद आपका इंटरव्यू नहीं है यहां पर सटीक तरीके से देखा जाए तो प्रीलिम्स आपका जो होता है क्वालिफाइंग है साथ ही साथ मीन जो होता है डिसाइसिव होता है मतलब कि जो आपके मेरिट तैयार होते हैं जिससे आप क्वालिफाई करते हैं वो आप ये एग्जामिनेशन के के मार्क्स आधार पर करते हैं एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का हुआ करता है ठीक है और बाकी है, हमारे पास उसके बाद लैंग्वेज का जो जिक्र होता है लैंग्वेज प्रोफिसियंसी टेस्ट वो सब देखा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब नॉर्मल चीजें हैं लेकिन हाँ मेन स्टेज आपके डिसाइसिव फैक्टर ये होता है मेंस अब हम इस प्रीलिम्स और मेंस को बाइफकेट करते हैं यहां पर आके एग्जाम एक एक का सिलेबस क्या है तो एग्जामिनेशन में दो स्टेज आपके पास है प्रीलिम्स प्रीलिम्स और मेंस दो सौ नंबर का होता है स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट से हमारे पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैथ्स या कह सकते हैं इसे हम क्वानस कहते हैं वो मिलेगा आपको थर्टी फाइव क्वेश्चन थर्टी फाइव मार्क्स थर्टी फाइव क्वेश्चन थर्टी फाइव मार्क्स यहां पर मिलने वाले हैं आपको इसके लिए सिमिलरली हमारे पास रीजनिंग होगा और रीजनिंग के लिए भी आपको उसी तरीके से 35 सवाल और 35 मार्क्स भी मिला करते हैं यहां पर ठीक है इंग्लिश हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट के तौर पे मिला करता है और इंग्लिश में हमें यहां पर 30 क्वेश्चंस एंड इसके लिए 30 मार्क्स मिलते हैं एक कंडीशन है जो आजकल इंप्लीमेंट हो चुका है कि हर एक सब्जेक्ट में से 35 क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ पे 20 मिनट्स मिलने वाले हैं मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए 20 20 मिनट्स मिलने वाले हैं यहाँ भी 20 मिनट्स यहाँ भी 35 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स ही मिलने वाले हैं आपको लिमिट लगा रहेगा वैसे यहां पर 30 क्वेश्चन के लिए भी 20 मिनट्स ही मिलने वाले हैं आपके पास तो ये एक चीज है कि आप पास ये तीनों फैक्टर ध्यान रखिएगा 35 फाइव क्वेश्चन थर्टी फाइव मार्क्स ट्वेंटी मिनट थर्टी फाइव क्वेश्वन थर्टी फाइव मार्क्स ट्वेंटी मिनट थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स जो टाइम की अगर बात की बात करें तो यू हैव 1 आवर दैट मींस कि 60 मिनट्स आपके पास होंगे और आपके जो स्कोर होते हैं यहां पे टोटल वो 100 मार्क्स के होते हैं 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है लेकिन ये एग्जामिनेशन जो है क्वालीफाइंग है अब लगे हाथ यहीं पे हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए इस स्कोर में से या फिर इतने मिनट में इतना सवाल आ गया या इतने मार्क्स में से कितना लेके आना है

सॉल्व करने लायक रहता है बस यहां पे स्पीड ज्यादा चेक होता है इसका वजह क्या है कि क्लर्क का जो काम है वो है डायरेक्ट कस्टमर डील करना आप काउंटर्स पे होते हैं वो आप हो सकता है कैश मैनेज कर रहे हो हो या फिर आप उस काउंटर पे हो जहां पे आप बैंक पासबुक को अपडेट करते हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जहां पर आप जितने भी कस्टमर के डिमांड पूरा कर रहे हो कहां कहा काउंटर से बैठ के तो बहुत ही फास्ट होना चाहिए दैट्स यहीं से से एग्जामिनेशन ही दे, देखा जाता है कि पास नॉलेज तो है लेकिन आप कितने तेज है उसको रिएक्ट करने में उस क्वेश्चन में बहुत ही बल्कि क्वेश्चन नहीं होता यहां पर चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिर रीजनिंग हो या इंग्लिश हो यहां क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल फटाफट कर सकते हैं आप बस सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एक बार आराम से कर ले जाएंगे इसी के बाद हम की बातें करते हैं सिलेबस में मेंस में क्या है तो यहां पर हमारे पास ऑफकोर्स फिर से वही मैथ्स या फिर इसको कह सकते हैं क्वांट्स भी तो मैथ्स हमारे पास फिर से यहां पर होगा फिर हमारे पास रीजनिंग होगा यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा मैथ्स रीजनिंग के साथ इंग्लिश तो होता ही होता है इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है जनरल अवेयरनेस ये जीए का यहां पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ये पास है। बस लेवल ऑफ क्वेश्चन यहां पे थोड़ा बढ़ जाएगा सिर्फ मैथ्स और एग्जामिनेशन में जो भी पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग यहां पर हमारे टोटल मार्क्स होता है हो जाता है एग्जामिनेशन ठीक है मतलब फोर्टी फोर्टी मार्क्स का एग्जामिनेशन रहेगा यहाँ पर सिर्फ दो मैथ्स और रीजनिंग का आरबी क्लर्क और आरबीपीओ फिर हम क्लक की बात कर रहे हैं तो आरबी क्लक के एग्जामिनेशन में यहां पर फोर्टी फोर्टी लेकिन ही हम इस तरफ

यहां पे मार्क्स चाहिए वो यहां पे होता है 120 मार्क्स के आसपास आपको ग्रैप करना चाहिए बिकॉज इसका मीन्स भी बाकी के मीन एग्जामिनेशन से लाइटर होता है हल्का होता है मतलब पीओ के लेवल में अगर हम क्लर्क की बात करें ऑफकोर्स हल्का रहेगा ईजी रहेगा तो आप एक नंबर तक आराम से टारगेट कर सकते हैं इसमें जीए का थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है अगर आप थोड़ा मार्क्स इजिली ग्रैप करना चाहते हैं ठीक है तो 120 मार्क्स के आसपास अगर आप अपने मॉक टेस्ट पेपर में 110, 115, 120 के आसपास घूम रहे हो मतलब कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप क्वालिफाई करने के लायक हो तो अभी से ही सब कुछ क्लियर रखिए कि कैसे क्या प्रीलिम्स है क्या मेन्स है और क्या उसमें इंपॉर्टेंट क्या है जैसे जियो को बच्चे शुरुआत से नहीं पढ़ते तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा शुरुआत से जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट रेगुलर नहीं पढ़ सकते तो आप वीक में दो तीन दिन का ही तो शेड्यूल बनाइए लेकिन बना लीजिएगा प्लीज ठीक है आगे बढ़ता हूं अगले सवाल को हम आंसर करने की कोशिश करते हैं यहां पे हमारा ये सवाल का भी आंसर हो चुका है कि ये एग्जाम कितने स्टेज में है तो वी हैव टू स्टेज ओनली आफ्टर दिस विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए या नहीं मतलब ये एक सवाल होता है बहुत बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस होता है हमारे क्लर्क के एग्जामिनेशन में सो so, दो में आर uh, आरबी तो खैर हमेशा से क्या करता है अपना रीजन लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस रखता था 2021 में आपने देखा होगा आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन में भी अमेंडमेंट हुआ वहां भी अब रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है मतलब कि आप अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग स्टेट से आप हैं तो अपने स्टेट से फॉर्म भर दिए और साथ ही साथ Uh, वहां से आप उसके रीजन लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं दैट मीन्स की अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं मेरे हिसाब से रीजन लैंग्वेज आना जरूरी है क्या इस सवाल का जवाब है यस यू मस्ट बी एबल टू नो एटलीस्ट रीड और स्पीक दैट लैंग्वेज मतलब वो तो कंफर्म है कि आपको समझ में भी आना चाहिए पढ़ लेना मतलब सुन लेना चाहिए आपको और साथ में आप बोल भी सकें ये होना चाहिए एलपीटी मतलब इसलिए होता है वहां पे तो रीजनल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है मतलब कि अगर आप एक, एक ऐसे पर्सन हैं जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और आप चाहते हैं कि मैं तमिलनाडु से फॉर्म भरूं तमिलनाडु से अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो मेरा रहेगा कि नहीं भरो आपको मतलब वहां पे आप हो सकता है कि लास्ट स्टेज में आप जाके हार जाओ मतलब कि आपको निकाल दिया जाए। so है क्योंकि उनके तो कंडीशन भी, भी समझ सकते हैं कि होता यह है जॉब कर रहे होंगे बींग अ पर्सन हु यूपी से झारखंड से, से बिलोंग करते हैं या फिर दिल्ली साइड से बिलोंग करते हैं और वो तमिलनाडु में पोस्टेड है तो आप क्लर्क है क्लर्क में पॉइंट बहुत मैटर करती है और आपसे डायरेक्टली कस्टमर मिलने आ रहे हैं तो आपको उनके लैंग्वेज में करना पड़ेगा जो कर, जो कि अगर आप उस, वहां के नहीं जानते हो, तो लाइक like, आप बहुत सफर कर रहे होंगे आप फॉर्म भरते समय ये जरूर चेक कर लें कि आपको क्या उस स्टेट का लैंग्वेज आता है वहां पे ऑप्शंस में फॉर्म जब भी निकलता है ऑप्शन तो में रहता है कि इस के लिए कौन कौन से लैंग्वेज प्रेफर्ड मतलब क्या प्रेफर्ड नहीं मतलब कौन कौन से लैंग्वेज आपको आने चाहिए सो so, या फिर ऐसा हो कि आप अगले जब भी आप एग्जामिनेशन हो या फिर जब भी हम एलपीटी uh, हो रहा हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो तो उस वक्त तक आप उस लैंग्वेज को सीख सके मतलब ये पॉइंट है दैट मीस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट लैंग्वेज जहां से आप फॉर्म भर रहे हो ठीक है ठीक है ओके चलिए सैलरी कितनी मिलती है ये भी एक सवाल बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर सैलरी कितनी मिलती है आफ्टर दिस सैलरी इंक्रीमेंट इन टू जीरो टू वन दो हजार इक्कीस में इस पर भी अमेंडमेंट हुआ है आपके सैलरी में भी इंक्रीमेंट लगा है और ये आपका तकरीबन क्योंकि अलग अलग बैंक क्लर्क हैं एस बी आई अपना है उसका फिर अपना सिटी का अलावेंस है और बहुत सारे बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन ये लमसम जो आपका इनिशियल सैलरी होता है इन हैंड वो थर्टी टू थर्टी टू मतलब इसके बीच में वेरी कर रहा होता है आजकल स हजार से लेके बत्तीस हजार तक वेरी करेगा आपका और थोड़ा और भी हम रेंज लेना चाहें तो अट्ठाइस से बत्तीस कह सकते हैं ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग क्लग के अलग अलग सिटीज में थोड़ा ये वेरी करेगा तो सबका बिल्कुल कॉमन नहीं हो पाएगा लेकिन हम कह सकते हैं कि बत्तीस हजार के आसपास आजकल मिलना शुरू हो चुका है मतलब इनिशियल फर्स्ट सैलरी तो ये एक सवाल है आपका तो इसका आंसर है तीस से बत्तीस के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी होती है इन हैंड इस टाइप से तो सैलरी कितनी मिलती है ये भी आपका आंसर कर दिया गया है सो आई थिंक यू गॉट ऑल द आंसर्स नाउ द लास्ट द थिंग इज की हाउ टू हाउ टू स्टडी फॉर दिस एग्जामिनेशन सो दो तीन चीजें हैं मैं पे द दैटेजी लिख के स्टार्ट कर रहा हूं बातों को द स्ट्रैटेजी ठीक है स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है सबसे पहले तीन चार स्टेजेस हैं uh, सबसे पहला स्टेज आपका है कि आप फाउंडेशंस पे ख्याल रखें फाउंडेशन पे ध्यान दें फाउंडेशन बनाएं फाउंडेशन बनाने में अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें फाउंडेशन बनाने के बाद आप यहाँ पे जम करें फाउंडेशन के साथ साथ एक और काम करते रहें आप यहाँ पर इसमें आप साथ में प्रैक्टिस का भी यहाँ पे रखें इस जगह पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे होने चाहिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस फाउंडेशन का मतलब क्या है कि आप फाउंडेशन uh, जो है चैप्टर वाइज ही पढ़ रहे होंगे बना रहे होंगे तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करते रहें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं आप एंड देन आफ्टर उसका प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते करते आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ताकि एग्जामिनेशन समझ में आ रहा है आपके ठीक है रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा तो नहीं कि पुराने चैप्टर्स को भूलते चले जा रहे हैं ऐसा तो नहीं हो रहा है मतलब बहुत ही आपको इसको भी मैंने बहुत ही कॉम्प्रेस करके बता रहा हूं चीजें बहुत ध्यान समझिएगा फाउंडेशन क्लियर कीजिए मतलब बेसिक क्लियर कीजिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते के साथ आप प्रीवियस प्रीवियस ईयर या लिख देता हूं प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान लगाइए मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर आपका नो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है कि प्रीवियस क्वेश्चंस आप करें साथ ही साथ आप इसके बाद नो क्सनल मॉक्स सेक्सनल मॉक सेक्शनल मॉक का मतलब है कि आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं मॉक मतलब सब्जेक्ट वाइज मॉक मैथ्स का रीजनिंग का इंग्लिश का इंडिविजुअल ताकि आप डायरेक्टली फुल मॉक पे जाने से पहले डरे ना कई बार क्या होता है कि आप डर जाते हैं फुल एंथ मॉक जाने में या फिर आपका बहुत फ्रेंडली नहीं होते फुल एंथ मॉक में तो एक स्ट्रेटेजिक वे में अगर चले हम फाउंडेशन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन अब सेक्शन मॉक सेक्सन मॉक के बाद आप कर सकते हैं फुल लेंथ मॉक ये अप्रोच है और तुरंत से आप अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें मतलब ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक है जो स्टूडेंट अपने आप से कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं और आउटपुट कहां निकल रहा है हो सकता है शुरुआत में आउटपुट लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है तो फुल लेंथ मॉक उसके बाद लगाना शुरू करें मतलब फुल लेंथ मॉक अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन आप लगा सकते हैं ये आपका स्टेज है इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप

शुरुआती तीन महीने में तो मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट डरेगा नहीं फिर मतलब उसका प्लिंथ उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग रहेगा बहुत इजीली वो सब कुछ ग्रैब कर सकता है ठीक है सो आई होप यू गॉट द आईडिया हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज ऑल अबाउट आईपीएस या फिर एसबीआई या फिर किसी भी क्लर्क का एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए कैसे बैंक क्लर्क बनना है हमने आंसर कर दिया आपको नाउ हाउ वी कैन हेल्प यू इन द बुक बुक्स क्या-क्या यूज करना चाहिए हमारे पास ए रीजनिंग ए की सीरीज आया करती है ए रीजनिंग करके बुक आती है ठीक है हमारे पास एस क्वांट्स करके बुक आती है और साथ ही साथ एस जो बच्चे फ्रेशर हैं खासतौर पर उनके लिए बता रहा हूं ऐसे सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे रैंडम कहीं पढ़ाई किए कहीं से भी वो भी चाहे तो ऑफकोर्स इन किताबों को बनाए बहुत मजा आएगा और यहां पर एस इंग्लिश करके बुक आएगी और फिर एस की ही आपको जीए भी मिल जाएगी तो ये तीन किताब तो खैर प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत रामबाण होगा इसके साथ साथ वो जो 50 प्लस में बोल रहा था ना वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए ये है और 50 प्लस एक आती है प्रीवियस ईयर बुक प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है ये मैंने बताया था आपको ये भी बहुत यहाँ पे सब कुछ उस तरीके से ही रखा हुआ है हम लोगों ने ताकि आप इसको कहाँ मिलेगा ये अड्डा टू फोर सेवन की आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगा एक चार किताबें मिल जाएंगी आपको साथ ही साथ आप अड्डा टू फोर सेवन के साथ साथ आप फ्लिपकार्ट या एमेजन पर भी देख सकते हैं इसे आप और इसके बाद अगर बैच की बात करें तो हमेशा हमारे पास जो फाउंडेशन बैच जैसे अभी जो वक्त चल रहा है जनवरी फरवरी का वक्त में हमारे पास फाउंडेशन बैचेज बहुत अच्छे से रहते हैं जो बच्चे सुर प्लान कर रहे हैं 2022 में बाकी के एग्जामिनेशन जितने भी क्लर्क हैं या फिर पीओ के एग्जाम लिखने की दे माइट फाइंड समथिंग अमेजिंग लाइक फाउंडेशन बचेज लाइक दिस न्यू फाउंडेशन बैच व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एटीथ ऑफ फेवरी यू कैन साइन साइन इन दिस पर्टिकुलर बैच एनरोल योर इन दिस पर्टिकुलर बैच और ये बैच आपको बैंक महापैक में भी मिलता है बैंक महापैक का सबसे बड़ा सुविधा ये है कि इस बैंक महापैक में इस तरह के बैच जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच आते हैं एसबीआई का नोटिफिकेशन आया तो एसबीआई क्लर्क का एसबीआई का जो भी बैच है वो अपने आप इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आईपीएस का नोटिफिकेशन आया तो उसका जो बैच बनता है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा और बाकी जो पुराने बैचेज हैं वो उसके अंदर होते ही होते हैं तो एवरी बैच विच इज फॉर प्रम्स मेन्स यू कैन से इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव सभी चीज सभी सभी के सभी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगे आपको लाइव क्लासेस वीडियो कोर्सेस ई बुक्स एंड टेस्टरीज़ सो ऑल द फोर फैक्टर्स विच इज इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन विल बी देयर इन दिस बैंक महापैक इन रोल योर सेल्फ इन बैंक महापैक सो इट विल हेल्प यू डेट्स इट सो बाकी दिस इज माई रेफरल कोड वाई वन डबल एट यू कैन यूज़ दिस टू इन योर सेल्फ इन बैंक महापैक और एनी फाउंडेशन बैच और एनी बच बुक्स के लिए वाई वन डब्ल एट के साथ एस लगा सकते हैं डेट्स इट फ्रॉम माई साइड आई होप All the questions were answered. Thank you so much. Bye. Take care, study well, and blessings.